वेलकम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हम अगले स्टडी करने लगे हैं, विच इज कोहोर्ट स्टडी। जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हमने जो शुरू की हुई हैं, ये उसी में से एक टाइप है। और ऑब्जर्वेशनल में एक डिस्क्रिप्टिव टाइप हमने कही थी और एक एनालिटिकल कही थी। डिस्क्रिप्टिव हम कर चुके और एनालिटिकल जो होती हैं, जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, किसी भी हाइपोथेसिस को, और ऑब्जर्वेशन से ही टेस्ट करते हैं। उसमें हमने कोई इंटरवेंशन नहीं करनी होती। उसमें केस कंट्रोल पहली थी और कोहोर्ट दूसरी है, ठीक है। कोहोर्ट स्टडी में आपने याद रखना है कि हम हमेशा ये वाला जो स्टडी फ्रेमवर्क है, ये आपको अच्छे तरीके से, मजीद अच्छे तरीके से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के इजाज़त देते हैं, क्योंकि इसमें आपने डिजीज लोगों को नहीं लेना। इसमें आपने सारे वो लोग लेने हैं जो आपके रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड हैं या नहीं एक्सपोज्ड, और डिजीज़ किसी में भी नहीं है। और फिर आपने उनको लंबे अरसे तक फॉलो अप करना है और देखना है कितने हैं डिजीज़ डेवलप करते हैं, कोई मॉर्बिडिटी होती है, कोई इलनेस होती है, क्या मर जाते हैं, क्या जिंदा रहते हैं, ये सारा आपने बाद में देखना है। तो क्योंकि इसमें आप हाइपोथेसिस, अगर ये वाला हम लेते हैं स्मोकिंग और लंग कैंसर वाला, तो स्मोकिंग और लंग कैंसर का एसोसिएशन एक हाइपोथेसिस में हमें कोई दे देती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तो उसको हम प्रूव करने के लिए काफ़ी हद तक, ठीक है, पक्का वाला प्रूव एक्सपेरिमेंट से होता है, लेकिन एक बेहतर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दो ग्रुप ऑफ पीपल ले लेंगे। एक पॉपुलेशन पूरी लेंगे जिसमें स्मोकर्स होंगे, दूसरी पूरी पॉपुलेशन लेंगे जिसमें नॉन स्मोकर्स होंगे। और कोहोर्ट स्टडी में हमेशा ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन लेते हैं, इसीलिए मैंने केस कंट्रोल स्टडी में कहा था कि हम पूरी पॉपुलेशन कहीं भी नहीं कहते, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े लोग होते हैं, यहाँ पूरी पॉपुलेशन होती हैं। तो आप एक ग्रुप ले लेंगे स्मोकर का, एक नॉन स्मोकर का, सारे के सारे फ्री ऑफ लंग कैंसर होंगे, किसी को लंग कैंसर नहीं होना चाहिए। दोनों ग्रुप्स आपस में कंपेरेबल ज़रूर होंगे, लेकिन लंग कैंसर नहीं होगा। और फिर आप उनको फॉलो अप करेंगे लंबे अरसे के लिए, जब तक कि आपने सपोज सोचा हुआ है कि 5 साल का फॉलो अप है, तो आप हर साल, साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जैसा आपने प्लान बनाया, उनको चेक करते हैं और देखते रहते हैं कि भाई कितने जो डिजीज़ डेवलप कर रहे हैं, किस स्टेज पर फलाना फलाना। दिस इज़ ऑल योर कोहोर्ट स्टडी। और जो ग्रुप आपके सिलेक्ट करते हैं उन्हें कोहोर्ट्स कहते हैं। तो इसके यही फीचर्स है कि आपने सारे डिजीज़ फ्री लोग लेने हैं, उसके बाद उनको फॉलो अप करना है, कॉज से इफेक्ट की तरफ जाना है। इसीलिए इस स्टडी को प्रोस्पेक्टिव स्टडी या फॉलो अप स्टडी कहते हैं, या इंसिडेंस रेट स्टडी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये आगे की तरफ लेके जाती है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा बेसिकली कोहोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजी में या फिर कम्युनिटी मेडिसिन में बात करें कि कोहोर्ट होता क्या है, तो कोहोर्ट कोई भी एक लोग जो कि आपस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं किसी भी लिहाज से, उसे हम कोहोर्ट कहते हैं। सपोज जितने भी लोग मैं कहती हूँ 2015 में पैदा हुए हैं, तो हम कहेंगे उनको 2015 का ये बर्थ कोहोर्ट है, क्योंकि उनका एक करेक्टरिस्टिक सबका सेम है कि उनकी बर्थ 2015 में हुई थी। या फिर अगर दूसरी बात मैं ये करूँ कि जितने भी लोग हैं जो कि सपोज करते हैं कि एक शादी में गए, वही बात है, और उन सब ने शादी का खाना खाया, तो सबको फूड पॉइजनिंग होगी। तो ये जो पूरे लोग थे जो शादी में गए थे, वो सारा एक्सपोजर कोहोर्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग एक एक्सपोजर हो गया उनको एक ख़राब खाने से। तो ये आपका कोहोर्ट होता है जो कि सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी एक बात पे या एक दो बातों पे आपस में सिमिलर हो, ठीक है, तो उसको हम कोहोर्ट कहते हैं। तो आपने हमारे पास कोहोर्ट सिलेक्ट करना क्यों हमारी कोहोर्ट स्टडीज में ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें वो लोग सिलेक्ट करने होते हैं, वो ग्रुप सिलेक्ट करना होता है जिनकी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एक दूसरे से मिलती हों। सिर्फ एक तो जो कोहोर्ट हमने सिलेक्ट करना होता है मेरे कोहोर्ट स्टडीज़ में, सपोज मेरे पास यहाँ पर स्मोकर्स का एक कोहोर्ट है, तो वो मेरे सारे वो लोग होंगे जो कि आपस में एक करेक्टर में मिलते हैं, और वो करेक्टर क्या होगा कि वो सारे स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। बाकी आपस में वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है मेरे पास एक स्मोकिंग का बंदा 50 साल का है, दूसरा बंदा जो है वो मेरे पास 40 ईयर्स का है, एक फीमेल है एक मेल है, लेकिन सारों का जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो ये कि वो सारे स्मोकर्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो मेरा दूसरा कोहॉर्ट है नॉन स्मोकर का, उन सब का कॉमन कैरेक्टर क्या होगा कि वो सब नॉन स्मोकर हैं। तो इस तरह हम इसमें कोहॉर्ट स्टडी में दो कोहॉर्ट्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिकेशंस क्या होते हैं कि हमें ये वाली स्टडी करनी चाहिए, जब हमारे पास कोई डिजीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन महसूस होता है रिस्क का कॉज का डिजीज़ के साथ, तो हम कोहोर्ट स्टडी करते हैं ताकि उसको बहुत अच्छे से प्रूव कर सके। क्योंकि अगर किसी चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, तो जाहिर सी बात है हमें उसके केसेस भी ज़्यादा मिलेंगे, मतलब हमारे लिए कोहोर्ट को चुनना आसान होगा, क्योंकि हमारे डिजीज लोग ज़्यादा होंगे और हमें लंबे अरसे तक उसे फॉलो अप करने में मसला नहीं होगा। बिकॉज हमारी जब पॉपुलेशन नंबर बहुत ज़्यादा होती है, तो लंबे अरसे में अगर कुछ लोग बीच में से निकल भी जाएंगे तो मसला नहीं होता। इसके बजाय अगर हम एक रेयर डिजीज़ ले लेंगे, तो उसके तो बंदे ही हमें नहीं मिलेंगे, तो हम कहाँ से उनको लेंगे और फॉलो अप करेंगे। लेकिन अगर मेरी रेयर डिजीज़ ऐसी है जो कि किसी सर्टन चीज़ एक्सपोजर से रिलेटेड है, सपोज करते हैं कि वैसे अगर मैं जनरल बात करूँ तो एक डिजीज़ थी जैसे मैं जिसका नाम पहले भी रही थी बेगेसोसिस। बेगेसोसिस आपकी डिजीज़ होती है कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना उनको, ठीक है, कॉटन के साथ एसोसिएटेड है।
वरना ये किसी बंदे को भी नहीं होती। और कॉटन इंडस्ट्री में कोई बहुत सारे लोग तो काम नहीं करते, कितने होंगे 50 या 100 लोग काम करते होंगे, तो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में से 50 या 100 को होने वाली डिजीज़ के बारे में स्टडी मैं क्यों करूँ? तो उस मामले में फिर आपको हॉट स्टडी तब करते हैं जब सर्टन एक्सपोजर के साथ रिस्क का एसोसिएशन या डिजीज़ का एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तब आपको हॉट स्टडी कर लेते हैं। लेकिन स्टिल मोस्ट कॉमनली अगर आपको जनरली कहा जाए ना, तो कोहॉर्ट स्टडी रेयर डिजीजेज के लिए नहीं होती, ठीक है? ये सिर्फ बहुत कॉमन डिजीजेज के लिए होती है, क्योंकि इसमें फॉलो अप बहुत लंबा है। उसके बाद आपने कभी भी कोहॉर्ट स्टडी तब नहीं करनी जब आपको पता हो कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बीच में से निकल जाएगी। सपोज आपको ऐसी पॉपुलेशन ले लें जो कि माइग्रेट करने के दर पे हो, या फिर कोई ऐसी ले लें जो कि आपको पता है कि डिजीज जिनमें जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई शॉर्ट टर्म डिजीज है, तो फायदा नहीं है। हमेशा क्रॉनिक डिजीजेस को हॉट स्टडी में चलती हैं, बिकॉज ये आपको लंबा थोड़ा अर्सा देती है। मैं नॉर्मल नज़ला जुकाम जो हर बंदे को 7 या 8 दिन में ठीक हो जाता है, उसके लिए मैं को हॉट स्टडी नहीं करूँगी, ठीक है? तो इसलिए ये इंडिकेशन होती हैं इसकी कि आपकी स्टडी का आपको पता हो कि एट्रिशन नहीं होगी लोगों की और डिजीज़ इज़ प्रेवलेंट, रेयर नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क के लिए सेम वैसा ही एक टेबल बनाना है, लेकिन इसको कभी भी 2:2 टेबल नहीं कहते जैसे केस कंट्रोल स्टडी में कहते थे। इसमें हमारे पास जो 2 ग्रुप्स बनते हैं उनमें इस तरह से हिसाब लगाना है आपने कि 2 कोहॉर्ट्स बनाए हुए हैं मैंने, एक वो जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज है, एक नॉन एक्सपोज है। अभी शुरू में डिजीज स्टडी के दोनों को डिजीज नहीं है, दोनों डिजीज फ्री हैं। और फिर लंबे अरसे के बाद जब मैं अपने डाटा में लिखूंगी, जब मैंने उसे 5 साल 10 साल तक उनको फॉलो किया, एंड में मैं लिखूंगी कि एक्सपोज जो लोग थे उनमें से डिजीज कितनों को डिवेलप हुई और कितनों को नहीं हुई, और नॉन एक्सपोज में से कितनों को हुई और कितनों को नहीं हुई। तो ये मेरा एक पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है कोहॉर्ट स्टडी का। लेकिन इसमें वही बात होती है कि आपके पास जो एक्सपोज लोग हैं ये भी एक पूरी पॉपुलेशन होती है, क्योंकि ये डिजीज़ फ्री लोग हैं, एक पूरे पॉपुलेशन है ये। और नॉन एक्सपोज भी एक पूरी पॉपुलेशन है अपने अंदर, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजीज़ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप इसमें से, यहाँ पर मेरा बार बार बताने का मकसद ये बात कि पॉपुलेशन है ये पूरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ये डिजीज़ फ्री है, इसका बताने का मकसद ये कि इस स्टडी से हम इंसिडेंस रेट और रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? मैं अभी आगे आपको ये बात एनालिसिस में बहुत डिटेल में बताऊंगी कि रिस्क कैलकुलेट होता कैसे है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और लंबी लंबी पॉपुलेशंस होती हैं, और सारी हम जब शुरू करते हैं ना तो डिजीज़ फ्री होती हैं, ये सारी पॉपुलेशंस हमारी डिजीज़ फ्री हैं बिल्कुल जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन है। तो इसलिए हम इधर से रिलेटिव रिस्क और इंसिडेंस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं जो केस कंट्रोल स्टडी में नहीं कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद फ्रेमवर्क में हमारे पास जो चीज़ों का जिनका ध्यान रखना होता है कि सारे बंदे फ्री ऑफ डिजीज़ होने चाहिए, और जितने हम लेंगे सारों में जो रिस्क फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस के अलावा बाकी सारे ससेप्टेबल होने चाहिए डिजीज़ की डेवलपमेंट के लिए। सपोज अगर मैं ले लेती हूँ कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क चेक करना है, और मैं उसमें ले लेती हूँ जो हमारी पॉपुलेशन बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, तो जाहिर सी बात है कि बहुत छोटी बच्चियों में तो ब्रेस्ट कैंसर प्रेवलेंट है ही नहीं, तो मेरी पॉपुलेशन तो ससेप्टेबल ही नहीं है। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन लेनी है आपने, या तो आप मिडल एज वुमेन लें या ओल्ड वुमेन लें जहाँ पर डिजीज़ का पता भी है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ऐसी पॉपुलेशन लेनी है, ऐसी कुछ भी उठा के नहीं ले लेना। फिर कंपेरेबल, जो दोनों को हॉट्स आप लेंगे वो दोनों आपस में डेफिनेटली हर करेक्टरिस्टिक के हिसाब से आपस में कंपेरेबल होने चाहिए, मैच करने चाहिए, सिवाय रिस्क फैक्टर के, ठीक है? रिस्क फैक्टर ना हो उनमें, मतलब एक में हो एक में ना हो, बाकी सारी चीज़ें उनमें मिलती जुलती होनी चाहिए। और आपने शुरू में ही डिजीज़ को डिफाइन कर लेना है अच्छे से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले आप डिजीज़ को ही डिफाइन करते हैं कि क्या वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है उसका, और आइदर आप उसमें कि कौन सी, मतलब डिजीज़ के किस ग्रुप को लेना चाहें, जैसे मैंने कहा था कि कैंसर है तो कैंसर की कौन सी स्टेज के लोग हैं जो आपके डिजीज़, मतलब जो आप डिजीज़ सोच रहे हैं कि इन लोगों में हो सकती है, जाहिर है वो तो किसी के होगी तो किसी में भी नहीं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, और लोगों का सिलेक्ट करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, हमने किस एज को सिलेक्ट किया, कितनों को सिलेक्ट किया, मतलब वो सारी बातें जो हमने पहले भी कर दी थी। सो दिस इज़ योर फ्रेमवर्क ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम इससे, मैंने कहा कि इंसिडेंस या रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो इंसिडेंस या रिलेटिव रिस्क है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये अपने अंदर एक पूरी पॉपुलेशन रखती है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज जो होती हैं, बेसिकली कोहॉर्ट है मेनली प्रोस्पेक्टिव स्टडी ही है, जिसमें हमने हमेशा जाना कॉज से और नॉन डिजीज स्टेट से डिजीज स्टेट की तरफ है। तो जो इसकी पहली टाइप होती है उसे हम प्रोस्पेक्टिव टाइप कहते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट उन लोगों को शामिल करना है जिनको डिजीज़ नहीं है, और चलना है आगे, उनको फॉलो अप करना है और देखना है कि डिजीज़ डेवलप करते हैं या नहीं। कभी कभार हमें स्टडी ऐसी कंडक्ट करनी पड़ती है कि हमारे पास डिजीज़ हो चुकी होती है ऑलरेडी,
लेकिन किसी ने उनके बारे में इस्टेब्लिश नहीं किया होता कि इनका डिजीज़ का क्या सिलसिला था, रिस्क फैक्टर क्यों था, क्या हुआ था। और डिजीज़ बहुत सारे लोगों को हो चुकी होती है, 10-20-30 साल से ऐसा चल रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो अगर उस टाइम हमने कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट करनी है और लोगों को डिजीज़ हो चुकी है और हम जानना चाहते हैं कि क्यों हुई थी, तो एग्जामिनर जो कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट कर रहा है वो 10-20 या 30 साल पीछे जाता है। 30 साल पीछे वो खुद को कंसिडर करता है और सोचता ये है कि सपोज मेरे पास ये ग्रुप उस वक्त होता तो उस वक्त इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे। पास्ट रिकॉर्ड से चेक करेगा, पास्ट उनकी जितनी जो कुछ उसके अवेलेबल होगा पास्ट डेटा उससे चेक करेगा, और उसके बाद वो उस सारे पीरियड को फॉलो अप करेगा कि उस वक्त उनको ये मसला शुरू हुआ था, एक्सपोजर उस वक्त शुरू हुआ था, इस ग्रुप का नहीं था, और फिर उनका फॉलो अप देखेगा कि क्या हुआ था इस सारे सिलसिले में। इस टाइप ऑफ कोहॉर्ट स्टडी को हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, लेकिन ये बहुत कम कैरी ऑन की जाती है, ज़्यादातर प्रोस्पेक्टिव ही होता है। और अगर कॉम्बिनेशन हो जाए दोनों का तो कॉम्बिनेशन स्टडी। यहाँ पर ये वाली बात हम खत्म करते हैं, अगले पार्ट से मैं इसके स्टेप्स आपको बताती हूँ कि क्या हिसाब होता है। अभी तक किसी को कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।